तो हेलो गाइस, आज हमारे पास है नाविया का गरुड़ा ड्रोन, जो वर्ल्ड फेमस अभी चल रहा है गरुड़ा। तो ये इसकी MRP है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा कुछ ये बॉक्स आता है। इसका दो वर्जन है, एक इस बॉक्स में और एक बैग वाला बॉक्स आता है, तो उसके 1000 रुपये बढ़ जाते हैं। इसलिए अपन ने लिया नहीं, और इसे हमने ऑफलाइन जाके गोरेगांव मुंबई से परचेज़ किया है। यहाँ पर आपको MRP मिल जाएगी 12,999 रुपये है। और यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स हैं, जो जैसे कि यहाँ पर 180p कैमरा दिया हुआ है, मेन कैमरा है, सेकंड डबल कैमरे वाला ये फ़ोन है, 5G है, यहाँ पर 120 वेटिंग है, इंजन है, गेट रेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। बैटरी 1800 mAh बैटरी है। स्मार्टफोन से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और उससे चला भी सकते हो। फोल्डेबल ड्रोन है, सब तरफ से फोल्ड हो जाता है चारों इसके। तो फटाफट से इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, हमने तो बहुत पहले से कर ली थी, मगर एक बार और आपको करके दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है। तो फटाफट से इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये यहाँ से अपने तो गाइस, ये कुछ बॉक्स के अंदर ऐसा निकलता है। इसके अंदर एक बिल आएगा जो हमने इसके लिए उसका था, और एक दो मैनुअल रहते हैं इसके, एक जो स्कैन करके इसको टेप से कनेक्ट करने के लिए, और बाकी इससे आप कनेक्टर से सीख सकते हो कि कैसे कैसे हमें इसको उड़ाना है। हालांकि हम इसकी अनबॉक्सिंग एक हफ्ते पहले से कर चुके हैं, एक हफ्ते नहीं 3-4 दिन पहले से, तो इसलिए आपको डायरेक्ट करके दिखाने। और ये रहा हमारा ड्रोन भाई, भाई बहुत ही लाइट वेट है, इसका हमें लाइसेंस भी लेना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, ये एक टॉय ड्रोन में आता है, जैसे कि आप देख सकते हो सामने ये वाला जो कैमरा दिख रहा है, ये 180p का है, और यहाँ पर डबल कैमरा है, एक नीचे भी कैमरा दिया गया है। तो ये आता है 7p के समथिंग का, मगर ये उतना ज़्यादा काम नहीं करता नीचे वाला, मैंने उड़ा के देख लिया, इसका वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है सामने वाले की, लगभग फिर भी जिस हिसाब का ये ड्रोन है उस रेट में बिल्कुल अच्छी है। और दूसरा फ़ायदा हमारा जो मैंने आपको बताया, इसका लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है, तो इसको आप टॉय की तरह उड़ा सकते हो, कहीं पर भी नहीं उड़ा सकते मगर उड़ा सकते हो। और चलिए इसको फटाफट से अपन एक बार उड़ा के देखते हैं। इसको ऐसे खोलेंगे, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, और ये यहाँ से। कल हम लोग इसका ट्रायल ले रहे थे, यहाँ पर आपको एक डेम दिख रहा होगा, ये हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था इस रिमोट से जब हमने उड़ाया था, तो इस वजह से ये जाके एक गाड़ी के ऊपर गिर गया था उल्टा, तो उस वजह से डैमेज हो गया यहाँ से। मगर फिर भी आपको रिव्यू करके दिखाना था। और ये कुछ इस तरीके से इसका एक रिमोट निकलता है, हालांकि रिमोट की भी अब बहुत अच्छी क्वालिटी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे लोगों ने बोला 200 मीटर, मैं 100 मीटर भी लेके गया था, उसके बाद इन्हें एक बार खो चुका है। मतलब सेंसर जो कनेक्ट करता है ना, जैसे इससे कनेक्ट रहता उड़ाने वाला, तो वो ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो गया था और मेरा एक ड्रोन पेड़ पर जाके फंस गया। अच्छा ही भी नहीं बता रहा, बुरा ही भी नहीं बता रहा मैं आपको। और यहाँ से कुछ एंटीना है, यहाँ पर इसकी एक बैटरी लगेंगी, 3 बैटरी सेल्स, और यहाँ से कनेक्ट होगा। और इसकी कुछ इस तरीके से एक बैटरी हमें मिलेगी, सिर्फ बॉक्स में एक बैटरी देखने को मिलती है। हाँ, साथ में जब ये गिरा था तो थोड़ा सा नुकसान हो गया मेरे, यहाँ की बटन भी इसकी मिस हो गई है। हमने ये बैटरी को इससे लगाना है, और ये 1 घंटे चार्ज, मतलब 40 के समथिंग चार्ज करने पर ये सिर्फ 15 मिनट का फ्लाइंग टाइम देगा ये ड्रोन, जिसमें से क्या कहते हैं आपको 15 मिनट के अंदर में 13 मिनट आप इसको फ्लाइंग कर सकते हैं, 12-13 मिनट, 2 मिनट के अंदर आपको नीचे उतारना है इसको। तो ये आप देख सकते हैं, इसको बैटरी को हम ऐसे लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और ये देखिए हमारा ड्रोन हो गया ऑन, ये ड्रोन ऑन हो गया। और अगर आप बिगनर है मेरी तरह, जैसे मैंने भी पहली बार उड़ाया था इसको, तो उसके साथ हमें 4 गेज मिलती हैं, एंड एक्स्ट्रा इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें, जैसे कि इसकी पंखड़ी जो है ये अलग से मिल जाती है हमें, इसके अंदर 4 फैन मिल सकते हैं, ये रहे वो, अगर ये बाई चांस टूट जाते हैं इसकी, इसको आप लगा सकते हो। अगर ये भी 4 सिर्फ एक में ही एक लगेगा, ये नहीं कि आप किसी और का निकाले किसी में भी लगा दो, ऐसा नहीं होगा, इसमें भी कंडीशन ये है, अगर एक टूट जाता है तो ये लगा दो, और इसके बाद टूट जाता है फिर आपको बाइक मार्केट से करना पड़ेगा। ये है, और एक हमें 10 में 5 स्क्रू मिलता है, वो मैंने कहीं रख दिया पता नहीं, और ये चार्जिंग मिलती है जो इससे हमें बैटरी चार्ज करते हैं। और इसे कनेक्ट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जैसे गाइस पहले तो हमें इसको लगा लेते हैं, फिर आपको कनेक्ट करके देखेंगे। अभी भी आप देख रहे हो लाइट जल रही है इसके बराबर, ये देखिए। इसी कैमरा क्वालिटी में बात करूँ तो मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ कैमरा क्वालिटी कैसी, फिर भी जिस अमाउंट में हमें मिलता है उस अमाउंट के हिसाब से कैमरा क्वालिटी बिल्कुल शानदार है इसकी, ज़्यादा महंगी भी नहीं। इसको हम अभी सेट कर देते हैं, और जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं ड्रोन ये हो गया, तो हम इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ से 20 से ऑन हो गया। अब देखिए इसकी लाइट जो है
अभी लुप लगा रही है, अब जब ये कनेक्ट हो जाएगा जब ऐसी होगी। ये देखिए अब ये हो गया ड्रोन कनेक्ट, और एक बार हमें ये करना है फिर एक बार ये करना है। ये हो गया हमारा फाइनली ड्रोन कनेक्टेड, तो अब इसको फ्लाइंग करके देखते हैं कैसा उड़ता है। मगर पीछे ऊपर वायर है तो अभी इधर पे सही से तो हालांकि उड़ नहीं पाएगा, मैं देखता हूँ अगर उड़ता है तो ठीक है, वरना मैं यहीं पे इसको डिप कर दूँगा, मतलब बंद कर दूँगा। गाइस आगे हमारा कैमरा लगा हुआ है और पीछे से ये देख सकते हैं, ऐसे ये आपको सही से देखने को नहीं मिल पाएगा। मैं भी इसको यहाँ देखूँ और आप देख रहे हैं किस तरीके से स्टेबल ये बहुत आसानी से जाता है। अभी आगे को घूम रहा है, ये देखिए ये मैं नीचे से कंट्रोल कर रहा हूँ इसको, ये हो रहा है, ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, मगर आगे पीछे नहीं कर सकता क्योंकि आगे हमारा कैमरा लगा हुआ है और काफ़ी आसानी से इसका एक बटन क्लिक के थ्रू यहाँ से जैसे करोगे ये हो जाएगा, थोड़ी देर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा जगह पर आकर, और अगर ऐसे बंद नहीं होता है तो आप काफ़ी ईजिली इसको ऑफ भी कर सकते हैं। सिंपल ऐसे पकड़ना है और ऐसे कर देना है तो सिंपली बंद हो जाएगा, टेक ऑफ हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे लाइए डाउन करके, और यहाँ पे कुछ मैनुअल दिए गए हैं इस कैमरे के, तो जैसे ये बटन है दो आगे के लिए, ये देखिए ये फ्लाइंग इस बटन से कर दिया है, इनने फैन ऑन हो चुके हैं इसके, ये दो बटन आगे दिए गई हैं, इससे एक अपना इसको जब स्टेबल करते हैं वो इसको चिप करना पड़ता है, और इसमें तीन मोड है स्पीड के, तो एक दो तीन आप भगाएंगे तो बहुत हाई स्पीड से भगेगा। एक यहाँ पर मोड है, इससे आप 360 फ्लिप मार सकते हैं, जैसे कि आप इसको बटन दबाएंगे तो जैसे ही आप इस तरफ करेंगे फटाक से फ्लिप मारेगा, मगर उसको तब करना जब आप बहुत बड़े ग्राउंड में ट्राई करिए आपके पास हो पूरा मजबूत। ये देखिए ये हो गया डाउन, अगर आप चाहते हैं तो इसको मोबाइल से भी उड़ा सकते हैं, मोबाइल में कनेक्ट करके, और नहीं तो ऐसे चाहते हैं तो ऐसे भी, ये कनेक्ट हो गया, ये डिसकनेक्ट हो गया, ये हमारी पंखड़ी साइड सही से नहीं लगी तो ये गिर गया था, तो थोड़ा सा बस नुकसान हो गया। ये देखिए जैसे ये देखिए यहीं पर घूम रहा है अभी, अगर आप इसको टेक ऑफ करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और इसमें सिंगल बटन देता है मगर इसने ढंग से काम नहीं करा, तो इसके भरोसे का भी मतलब ना, ये वाली बटन दबा के और ये वाली दबा के आप जहाँ पर आप वो वहीं पर ये जॉब मिल जाएगा, तो ऐसा हुआ तो नहीं मेरे साथ हालांकि अभी तक, मगर पता नहीं ये लोग क्यों बोलते। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ों का है इसमें सिस्टम, आप लोगे जब समझ जाओगे आराम से। ये बटन नीचे भी काम कर दिया इसने, ये अगर दबाऊंगा तो ये अप पे चला जाएगा सीधे, इसलिए इसको वहीं कर नहीं सकता मैं रूम के अंदर, तो फ्लाइंग करके आपको दिखाता हूँ बाहर जाके, इसके डायरेक्ट कैमरा क्वालिटी के साथ आपको फ्लाइंग करके दिखाता हूँ। तो गाइस कुछ ये है हमारे ड्रोन की कैमरा क्वालिटी जब हमने इसको ग्राउंड में उड़ाया, तो हालांकि रेट के हिसाब से लगभग सही 60 ही है जिस हिसाब का इसका रेट है, अराउंड आपको ये 780,000 के आसपास पड़ जाएगा ड्रोन। और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताओ, और इसका एक नाइट शॉट भी डाल रहा हूँ मैं अभी, आपको आगे देखने को मिलेगा नाइट शॉट, और ये डे का मोड था। बस इसको अगर आप परचेस करते हो ज़्यादा फ्लाइंग मत करना, मतलब ज़्यादा ऊपर मत ले आना हाइट पे, वरना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है अपने रिमोटों से इस वजह से। तो ये इसकी डे की क्वालिटी है, वैसे लगभग मेरे को तो सब सही साइड लगा। अब आप देखिए नाइट वाला जो मैंने अपना रिकॉर्डिंग करी थी, और उसके बाद कमेंट करके बताओ वीडियो की क्वालिटी कैसी है। और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, और अगर आपको परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखूंगा, उससे जाके आप कल से परचेस भी कर सकते हो गरुड़ ड्रोन को। ये इसकी नॉर्मल हाइट थी, और इसके बाद ये ऑटो उस पर हो गया था, तो इसको मुझे रोकना पड़ा था वीडियो को, फिर मैंने जाके इसको डायरेक्ट पकड़ा था। तो आप लोग अब वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा।